त्योहारों से पहले सीएम योगी ने की समीक्षा बैठक, सभी की आस्था को सम्मान देने के दिए निर्देश। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को दिए निर्देश, कहा भक्तों की आस्था का सम्मान करते हुए कांवड़ मार्ग पर खुले में मांस न बेचें। मेरठ में सड़क पर नमाज पढ़ी तो होगी कार्रवाई, पुलिस लगा रही है पोस्टर, मस्जिद में नमाज अदा करने की दी अपील। सहारनपुर में जोरदार हुई बारिश, 29 जिलों में आज अलर्ट जारी, जून में मानसून में भी कम हुई बरसात। सुपरटेक के मालिक आरके अरोड़ा ईडी ने किया गिरफ्तार, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में हुई गिरफ्तारी। अखिलेश, मायावती और नीतीश एक मंच पर आ जाएंगे, मैं भी तीसरे मोर्चे में शामिल हो जाऊंगा, ओपी राजभर ने दिया बड़ा बयान। मथुरा में पुलिस ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया, बदमाश मोनू और कर्मवीर हुए गिरफ्तार। यूपी में वंदे भारत एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौत, वाराणसी से दिल्ली जा रही थी ट्रेन। बकरीद पर लखनऊ को 18 सेक्टर में बांटा, 1994 ईदगाह और 1210 मस्जिदों के पास रहेगी कड़ी सुरक्षा। बकरीद पर लखनऊ को 18 सेक्टर में बांटा, 94 ईदगाह और 1210 मस्जिदों के पास रहेगी कड़ी सुरक्षा, ड्रोन से होगी निगरानी। योगी सरकार दिव्यांगों को देगी बड़ा तोहफा, हर माह मिलेगी 1500 रुपए। मुख्तार अंसारी और बेटा अब्बास अंसारी की कोर्ट में होगी पेशी, एमपी एमएलए कोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी सुनवाई। नोएडा को मिलेगा यूपी का सबसे ऊंचा हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म, 72 मीटर होगी ऊंचाई। सपा विधायक रमाकांत की आजमगढ़ कोर्ट में पेशी, जहरीली शराब कांड में शामिल रहने का ही आरोप, फतेहगढ़ जेल में है बंद। गोरखपुर में पिस्टल चलाने की प्रैक्टिस करती महिला, पति पत्नी की अवैध असलहो संग सामने आई फोटो वीडियो। मथुरा में पुजारी के घर 7 लाख की हुई चोरी, 23 जून को हिमाचल घूमने गया था परिवार, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। प्रयागराज आ सकते हैं सीएम योगी, अतीक के कब्जे से मुक्त हुई जमीन पर बने फ्लैट की चाबी, सौंपेंगे योगी, आज आ सकता है प्रस्तावित कार्यक्रम। बिजनौर में सड़क हादसे में युवक की मौत, भाई के बारात से वापस घर लौट रहा था, वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। गोरखपुर में महिला का धर्म परिवर्तन कराया, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। कानपुर देहात के दफ्तर में बैठकर छलकाए जाम, वीडियो वायरल होने पर हुए निलंबित। यूपी के बाराबंकी में खड़े ट्रक में घुसी स्कॉर्पियो, एक की मौत, 2 यात्री हुए घायल।